यही वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए है। आज से कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की एक न्यू लिस्ट आई थी जिसके पैसे अभी तक ट्रांसफर नहीं किए गए थे। तो यदि आप लोगों में से कोई ऐसा है जिनका लिस्ट में नाम आ गया था तो उनकी पहली किस्त के पैसे आज की डेट में ट्रांसफर किए गए हैं, सुबह ही ट्रांसफर किए गए थे। यानी कि मैं एक दिन बाद इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, एक दिन पहले ही ट्रांसफर किए गए हैं पहली किस्त के पैसे। तो आपको ध्यान से इसे देख लेना है, समझ लेना है। यदि आप गांव से हैं या फिर शहर से हैं, लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले यहां पर आपको सर्च कर लेना है अपने मोबाइल से, इसे आप आसानी के साथ ही देख पाएंगे। अपने मोबाइल में आपको सर्च करना होगा pmayg.nic.in, इतना लिख कर आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आवास शॉप, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना है। रिपोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, चलिए हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है ई सेक्शन में, जो चौथे नंबर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने राज्य का नाम लिख देना है। चलिए यहाँ पर मैं आपके राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी आपको अभी स्किप नहीं करना है। राज्य का नाम जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इसके बाद अपने ज़िले को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ज़िले को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे अपनी तहसील को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको अब अपनी तहसील को सेलेक्ट करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर तहसील को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो भी आपकी ग्राम पंचायत है या फिर आपका गाँव है शहर है उसे सबसे लास्ट में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसके बाद नीचे की ओर एक छोटा सा कैप्चर कोड दिखाई देगा, इसे हमें जोड़ना या फिर घटाना पड़ता है। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि यहाँ पर लिस्ट नहीं निकलती है, तो मैं आपको बता दूँ कैप्चर कोड को फिर से यहाँ पर डालें। जैसे कि यहाँ पर 51 में से 20 को घटाने हैं, चलिए मैं यहाँ पर घटा कर लिख देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे हम इसे सबमिट करेंगे नीचे की ओर एक लिस्ट आ जाती है, आप यहां पर देख सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर दिखाई देगा, इसके बाद अपना नाम होता है यहां पर, यानी कि फादर का नाम जिसके नाम से आपने आवेदन किया होगा। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं और पहली किस्त के पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं या फिर नहीं। इसके लिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको MP वाला जो ऑप्शन है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर आपको ये वाला ऑप्शन है, इस पर यहां पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपकी प्रोफाइल फ़ोटो है यहां पर दिखाई देगी, तो यहां से आप आसानी के साथ ही अपना एड्रेस वगैरह प्रोफाइल फ़ोटो सारा ही कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आप सारा ही कुछ चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।